Hello Udemy, I am Shahzad Ahmed from Shakhzeer.com and welcome in lecture number 1st. आज हम लारावेल की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स से जो कह रहे थे कि आपने सारे के सारी सीरीज जो हैं वो CI यानी कि कोडिंग लेटर पे बनाई हुई हैं, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? बिकॉज हमारे पास कोडिंग लेटर 2, कोडिंग लेटर 3, एडवांस कोडिंग लेटर, कोडिंग ई कॉमर्स इन कोडिंग लेटर, लॉग इन फेसबुक, तो ये सारी की सारी जो है सीरीज थी हमारी वो CI पे बनी हुई थी. तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो टाइम मिल रहा है मुझे उसमें लारावेल की सीरीज़ को जो है वो मुतारफ़ करवाया जाए और आपको बताया जाए लारावेल के बारे में. तो सबसे पहले अगर आप जो है वो बैकग्राउंड आपका CI से है, अगर आपको कोडिंग लेटर ऑलरेडी आता है तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि लारावेल भी एक PHP का फ्रेमवर्क है और बेसिकली ये ओपन सोर्स है. अगर हम कंपेरिजन करेंगे कोडिंग नेटर को और लारावेल को, तो लारावेल एज़ कम्पेयर टू कोडिंग नेटर के बहुत ज़्यादा जो है फास्ट है. बिकॉज आपको पता है कि PHP 5. समथिंग जो है वो कोडिंग नेटर 3 सपोर्ट कर रहा है और PHP 7 जो है वो अभी तक नहीं रिलीज़ किया गया कोडिंग नेटर में. तो कोडिंग नेटर 4 में PHP 7 बिल्कुल है, लेकिन लारावेल जो करंट वर्जन चल रहा है वो 7.2 PHP सपोर्ट कर रहा है. ओके, सो इसी वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट है लारावेल एज़ कम्पेयर टू. और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं हमारी या जो जितनी भी लार्ज स्केल की एप्लीकेशंस हैं वो लारावेल के अंदर बनती हैं और ईजीली बनती हैं. कैसे बनती हैं? बिकॉज अगर आप जो है ई कॉमर्स फॉर सपोज अगर आप एक सिस्टम बना रहे हैं लॉग इन का CI के अंदर, मीन्स जब भी मैं कहूँ CI दैट मीन्स मैं कोडिंग नेटर की बात कर रहा हूँ. ओके, तो प्रोनाउंस आप कैसे भी कर सकते हैं, कोडिंग नेटर कह सकते हैं, कोडनाइटर कह सकते हैं या CI. ओके, तो जब आप CI में जो है लॉग इन और साइन अप सिस्टम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है चीज़ों को मैनेज करना, स्पेशली लॉग इन के, कि भाई आपने सेशन में वैल्यूज स्टोर करवानी है और ये सारी चीज़ें आप जो है मैनेज करते हैं. लेकिन लारावेल में थोड़ा सा मुख्तलिफ कहानी है. लारावेल में जस्ट आप एक मेथड एक क्लास को कॉल करें auth एंड देन जो है उसका एक मेथड कॉल कर लें लॉग इन का, तो वो सेशन जो है खुद मैनेज करता है. तो लारावेल में बहुत ज़्यादा जो है वो फंक्शनैलिटी है एज कम्पेयर टू कोडिंग नेटर के. तो हम लारावेल को ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे. और अगर आप CI पे काम नहीं करते, डायरेक्ट लारावेल की ये सीरीज़ देख रहे हैं, तो मैं यही कंसीडर करूँगा कि आपको PHP 5 की नॉलेज एटलीस्ट ज़रूर हो कि क्लासेस कैसे बनती हैं, मेथड्स कैसे बनते हैं लाइक दिस, और कॉन्स्टेंट्स वगैरह क्या हैं. और मैं ये भी कंसीडर करूँगा कि आपको जो है डेटाबेस की नॉलेज भी ऑलरेडी है. जाहिर सी बात है मैं MySQL की बात कर रहा हूँ कि आप क्यूरीज वगैरह की जो है वो कैसे राइट करते हैं. अगर आप PHP 5 से आ रहे हैं, फॉर सपोज जिसे हम बेसिक PHP कहते हैं या कोर PHP कहते हैं, तो अगर आपने कोई भी फ्रेमवर्क PHP का यूज़ नहीं किया तो वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद जो है राइट करनी पड़ती है. फॉर सपोज पूरी बिजनेस लॉजिक्स, लॉग इन, साइन अप, कार्ड सिस्टम, चेकआउट, वट एवर, पूरी बिजनेस लॉजिक्स वो आप जो है संभालते हैं. एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आपको करनी पड़ती हैं वो सिक्योरिटी वगैरह की करनी पड़ती हैं और फाइल्स को मैनेज वगैरह करना पड़ता है. लेकिन कोई भी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए अगर कोई भी आप फ्रेमवर्क यूज़ करें, चाहे वो CI हो, केक PHP हो, लारावेल हो या फैल्कन हो, तो वो आपको क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर देता है कि सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें जो है वो खुद हैंडल करता है. आपको जस्ट जो है बिजनेस लॉजिक्स जो है इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं. और जाहिर सी बात है जो मोस्टली पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे वो CI हो चाहे वो लारावेल हो, तो ये मोस्टली पॉपुलर जो फ्रेमवर्क्स हैं वो डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करते हैं MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर की अप्रोच. तो हम मॉडल व्यू कंट्रोलर को भी देखेंगे और थोड़ा सा जो है वो टच करेंगे. हम क्यूरी बिल्डर्स को भी जो है देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे हम इन दिस इस सीरीज में. और बेसिकली मैं जो एडिटर यूज करने जा रहा हूँ वो PHP स्टॉर्म है इस सीरीज के लिए. ओके, तो आप पे डिपेंड करता है अगर आप PHP स्टॉर्म यूज़ करते हैं या Notepad++ यूज़ करते हैं या सबलाइम यूज़ करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू. क्योंकि अगर आप सबलाइम पे काम करते हैं तो जो है ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट के लिए PHP स्टॉर्म यूज़ करूँगा बिकॉज इट्स अ नाइस आईडी टू परफॉर्म द PHP स्क्रिप्ट और द क्रॉड ऑपरेशन समथिंग लाइक दिस. और डेटाबेस के लिए मैं मिक्सअप यूज़ करूँगा, PHP माई एडमिन यूज़ करूँगा, जो जो है वो कॉन्फ़िगर है, प्री कॉन्फ़िगर्ड है XAMPP के अंदर PHP माई एडमिन. ओके, बिकॉज मैंने आई थिंक XAMPP नहीं स्टार्ट किया होगा.
जब आप सर्वर की बात करते हैं तो मेरे पास जो सर्वर है वो ZAMP इंस्टॉल्ड है. मेक श्योर आई एम यूजिंग PHP 7.2 वर्जन. लारावेल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो 7 से ग्रेटर देन वर्जन है, वो लारावेल के लिए रिक्वायर्ड है. अगर आपके पास PHP 5 समथिंग इंस्टॉल्ड है तो लारावेल जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. तो PHP माय एडमिन मैं डेटाबेस पर्पस के लिए यूज करूंगा और थोड़ा सा मैं डेटा ग्रिड यूज करूंगा डेटाबेस पर्पस के लिए. मेक श्योर डेटा ग्रिड और PHP स्टॉर्म ये JetBrains के टूल हैं. अगर आपके पास नहीं है तो JetBrains.com पे जाएंगे तो दे आर प्रोवाइडिंग सम एक्सीलेंट IDEs. तो आप देख सकते हैं कि PHP स्टॉर्म लाइटवेट स्मार्ट एंड द डेटा ग्रिड IDE फॉर द डेटाबेस एंड SQL. तो मैं डेटा ग्रिड और PHP स्टॉर्म ये दोनों टूल यूज करूंगा. डेटा ग्रिड जो है डेटाबेस के लिए, PHP स्टॉर्म जो है स्क्रिप्टिंग के लिए. मैं जो है मोस्टली PHP माई एडमिन भी यूज करूंगा ताकि आपको दिखाने के लिए, बिकॉज इसके अंदर माइग्रेशन के जो है कुछ चीज़ें होती हैं आपका जो है वो डेटाबेस माइग्रेट करने के लिए. और सबसे अहम बात यह है कि लारावेल.com ऑफिशियल वेबसाइट है. अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे सर्वर की रिक्वायरमेंट जो है वो लिखी हुई होंगी. सर्वर की रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं. दे आर सेइंग दैट द PHP 7.1.3 इज रिक्वायर्ड एंड यू कैन ऑल्सो. ओके, बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल के लिए लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट. और एक और चीज़ हमें चाहिए होगी, कंपोजर. कंपोजर से अगर आप वाकिफ हैं तो ठीक है, अगर नहीं हैं तो कंपोजर आपका बहुत अच्छा दोस्त है. कंपोजर आपका जो है वो डिपेंडेंसी मैनेजर है. जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो आपकी, वो कंपोजर जो है वो मैनेज करता है. तो हमें कंपोजर भी चाहिए होगा. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कंपोजर को जो है कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कि जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, और हम जो है वो लारावेल को जो है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं अपनी लोकल एनवायरनमेंट पे. मेक श्योर आई एम यूजिंग ZAMP. जो मैं सर्वर यूज़ कर रहा हूँ वो ZAMP यूज़ कर रहा हूँ. आप VAMP यूज़ करें या LAMP यूज़ करें या कोई भी सर्वर आप यूज़ करें, ये आप पे डिपेंड करता है, बट मैं ZAMP सर्वर यूज़ कर रहा हूँ. और PHP का वर्जन 7.1 से अबव होना चाहिए. सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, मैं यही कंसिडर करूँगा, आपको बेसिक PHP की नॉलेज ऑलरेडी है, लाइक क्लासेस कैसे बनती हैं और मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए. थर्ड, आपको MySQL की नॉलेज होनी चाहिए. फोर्थ, ये लारावेल जो है वो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप जो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है वो यूज़ करता है. तो मैं यही कंसीडर करूँगा कि आपको बूटस्ट्रैप भी आना चाहिए, लेकिन हम बूटस्ट्रैप की जो है इतनी डीप में नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए. इतना ही. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपोजर को देखेंगे. सो आई एम शहज़ाद अहमद फ्रॉम शेख़ज़ी.com. थैंक यू फॉर वॉचिंग.